وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق। और ऐ पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है, तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और इंटेलेक्चुअल इस्लाम की डेली टॉक में खुशामदीद। अब हम फेसबुक पर भी स्ट्रीम कर रहे हैं, तो तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज इंटेलेक्चुअल इस्लाम को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। आज की टॉक में हम इंशाल्लाह इस्लाम में जो शूरा का तसव्वुर है उस पर डिस्कशन रखेंगे। शूरा की कौन कौन सी इकसाम है, अमल में और फिक्र में शूरा से क्या मुराद है, और क्या शूरा का किया हुआ फैसला खलीफा के ऊपर पाबंद भी होता है कि नहीं। इस सेशन के एंड पर Q&A सेशन भी होगा। जिन व्यूअर्स के जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम टॉक के एंड पर वन बाय वन आंसर करेंगे। मैं दावत देता हूं आज के स्पीकर को कि वो अपनी टॉक का आगाज करें। जज़ाकअल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। आज का मौजू है शूरा इन इस्लाम, और आज हमारे बहुत सारे जो सामीन हैं और नाजरीन हैं, ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर जितने इस्लामिस्ट हैं वो शूरा के बारे में समझते हैं कि ये इस्लाम की तरफ से दिया हुआ बुनियादी रूलिंग सिस्टम का एक अरकान में से है। तो आज थोड़ा सा जो शूरा के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, और थोड़ी सी उसकी गहराई के ऊपर बात करेंगे फिक्री तनाजुर में, कि शूरा का जो तसव्वुर है इस्लाम में वो फिक्री लिहाज से किस तरीके से इस्लाम ने उसकी तफसीलात दी है। तो जो आज हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे, थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग है तो उसी को हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग घर में कैसे हम करते हैं, रियासत के लेवल के ऊपर कैसे डिसीजन मेकिंग की जाती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो खिलाफत में कैसे होगी और आज के दौर में कैसे होती है, सोर्सेज दोनों के क्या हैं और दोनों के सोर्सेज का जो फ़र्क है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, जो बाय लॉज हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जो उम्मा कौंसिल या मजलिस उम्मत और जो पार्लियामेंट का फ़र्क है थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इस्लाम उसके बारे में क्या राय देता है और आज वो कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी जमहूरियत के अंदर अकाउंटेबिलिटी एक यानी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उम्मा कौंसिल की या मजलिस उम्मत की उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि शूरा के लिहाज से जो मुवाजना किया जाता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट का किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम जो कंपैरिजन कर रहे होंगे वो उसी के साथ कर रहे होंगे, और देखेंगे कि क्या वाकई जो इस्लाम का जो तसव्वुर है, क्या इस्लाम का जो तसव्वुर शूरा के बारे में है और जो आज हमारे सामने एक कानून साज इदारा रखा गया है, क्या वो इसके कहीं करीब भी है या वो कुछ और ही है जो इस्लाम का तसव्वुर है, और आखिर में हम द वे फॉरवर्ड की बात करेंगे इंशाल्लाह। जो शूरा के हवाले से यानी इस पे जाने से पहले जो हमारे सामने अगर एक एग्जांपल के तौर पे एक घर की मिसाल सामने रखी जाए,
कि कैसे एक घर के अंदर हमें मुख्तलिफ मामलात के ऊपर घर के सरबराह को फैसला करना है कि जो फॉर एग्जांपल अगर ये तीन सिनेरियोस की एग्जांपल ली जाए, क्या हम एक बच्चा उसको अल्कोहल की इजाज़त दे सकते हैं, या हम उसको किसी ऐसी महफ़िल में जाने की इजाज़त दे सकते हैं जहां फ्री मिक्सिंग हो, या हम कोई ऐसी फॉर एग्जांपल वो कोई रिबा के अंदर कोई ऐसा कारोबार करना चाहता है, कोई हम उसको इजाज़त दे सकते हैं। तो ये पहली कैटेगरी है जो कि अगर घर के अंदर बातचीत की जा रही है और उसके ऊपर कोई फैसला लिया जाना चाहे, तो ये पहली कैटेगरी है कि क्या इस नौयत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए और उसके ऊपर कोई फैसला किया जाए मशवरा लेकर। दूसरी कैटेगरी है घर के अंदर कोई बीमार हो गया और कोई बीमार हुआ और उसको दिल का मर्ज लाहक है, तो सवाल अगर हम सारे जो घर के मेम्बरान हैं उनके सामने रखें और उनसे मशवरा करें और उनसे पूछें कि आप बताइए कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरी तरह का मामला वो हमारे सामने आ सकता है कि अगर हम घर वालों के सामने दो ऑप्शंस रखें और हम कहें कि तफरी के लिए जाना है और हम कहें कि चलें बताएं कि पीर सोहवा की तरफ जाना है या लेक व्यू पार्क की तरफ जाना है, या फिर कोई तीसरी ऑप्शन रखी जाए कि मरी की तरफ जाना है। ये घर के अंदर की सूरत हाल है जहाँ पे हमें किसी एक चीज़ एक राय कायम करनी है। हम एक राय कायम करने के लिए क्या मशवरा करेंगे घर के अंदर घर के मेम्बरान के साथ, अगर उसमें बच्चे भी हैं बच्चों के साथ, अगर बड़े हैं सिर्फ बड़ों के साथ, और अगर ये तीनों तरह के मामलात हैं तो हम ये देखना चाहेंगे कि एक घर के जो मामलात हैं उसमें कैसे राय कायम की जाती है। तो डिसीजन मेकिंग से मुराद है कि हम एक घर के अंदर कैसे किसी राय तक पहुंचते हैं। तो ये तीन तरह के मामलात हैं, एक जिनका ताल्लुक दीन से है जिसके बारे में शरीयत का हुक्म मौजूद है, और दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन यानी एक डॉक्टर के बारे में हमें चाहिए, और तीसरा जो भी घर के मेम्बरान हैं वो उनके सामने सवाल है कि वो आया इन तीन मकामात में से कोई एक तफरीह गाह की ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा वाजे है कि जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो है ये डिबेट के लिए ओपन ही नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह सुबहान व तआला का हुक्म इसके ऊपर वाजे है। जहाँ पे अल्लाह सुबहान व तआला की शरीयत आ जाए तो उसके ऊपर किसी तरह का भी सवाल, किसी तरह का भी बहस, किसी तरह का भी उसके ऊपर अपनी अकल से राय देना जायज़ ही नहीं है। और अल्लाह सुबहान व तआला ने बड़ा क्लियरली कुरान के अंदर फरमाया है कि कोई भी जब अल्लाह सुबहान व तआला का हुक्म आ जाए तो उसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार भी ना करे, यानी उसका ईमान का शुबा है अगर कोई इस तरह से करे जहाँ पे अल्लाह सुबहान व तआला ने कोई एक हुक्म बयान कर दिया। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे अगर कोई बीमार है और वहाँ पे हमने किसी डॉक्टर को रेफर करना है, तो हम किसी ऐसे बंदे की राय को वहाँ पे ज़्यादा एतबार करेंगे जिसको डॉक्टर्स का बैकग्राउंड पता है या उसकी हिस्ट्री पता है। हम देखना चाहेंगे कि अगर किसी का अच्छा डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस रहा है, वो जानता है एक अच्छे डॉक्टर को, हम उसकी राय को ज़्यादा तरजीह देंगे। हम एक डॉक्टर की राय को ज़्यादा तरजीह देंगे जो कि रेफ़र कर रहा होगा कि फ़लाँ डॉक्टर के पास आप रेफ़र जाएं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करता है इस तरह के मामलों को। हम बच्चों को या उन लोगों की राय को अहमियत नहीं देंगे जो इस शोबे में या इस मामले में कोई फहम नहीं रखते और इसका बैकग्राउंड नहीं रखते। तो यानी ये एक किस्म का एक मसला ऐसा होगा जो कि सिर्फ उन्हीं नॉलेजेबल लोगों के पास लेकर हम जाएंगे जो कि थोड़ी बहुत मालूमात रखते हैं। और तीसरा मामला ऐसा है जहाँ पे अगर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी रखी जाए तमाम घर के अफराद के सामने कि आप बताएं कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए तफरी के लिए, पीर सोहवा या मरी या लेक व्यू पार्क, तो ये एक ऐसा मामला है जहाँ पे अगर सारे के सारे जो घर के अफराद हैं वो सारे के सारों का वोट भी लिया जाए
और जो भी मेजॉरिटी उसके ऊपर फैसला करे तो उसके ऊपर हम सारे के सारे पाबंद किए जा सकते हैं इस राय के ऊपर। तो यानी एक मिसाल के तौर पे हमने ये तीन एग्जांपल्स ली हैं कि कैसे एक घर के अंदर हम तीन तरह के मामलात के ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। एक रियासत के अंदर जब हम इसी चीज़ का मवाजना करते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक रियासत के लेवल के ऊपर एक मुबाह इश्यूज़ हैं और एक लेजिस्लेटिव या एक वो इश्यूज़ हैं जहाँ पे शरीयत का हुक्म मौजूद है। तो जहाँ पे शरीयत का हुक्म मौजूद है उसको हमने सेपरेट कर दिया, और दूसरे मुबाह इश्यूज़ हैं, मुबाह इश्यूज़ के अंदर हमने दो उसके मज़ीद तकसीम कर दी। एक वो हैं जो कि टेक्निकल नौयत के हैं, जहाँ पे हमें उसकी टेक्निकल यानी लोगों को ही रेफर करना है और जहाँ पे वो एक्सपर्ट होंगे तो उसकी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद के ऊपर। दूसरे वो इश्यूज़ हैं जहाँ पे उम्मत ज़्यादा नॉलेजेबल है तो उम्मत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको उसके बारे में रेफर करेंगे और वो जो भी उसके बारे में फैसला करेंगे उम्मत के उमूर के वो प्रैक्टिकल इशूज़ होंगे जहाँ पे वो उम्मत के मजलिस उम्मत के मेम्बरान वो ज़्यादा बेहतर आगाह कर सकते हैं कि इसके बारे में उम्मत क्या कहती है या उम्मत की राय क्या होगी। ये डिसीशन मेकिंग की एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल क्या रियासत ऑयल और गैस को प्राइवेटाइज कर सकती है? तो ये मामला अगर डिबेट के लिए रखा जाएगा तो ये जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला शरीयत का हुक्म मौजूद है तो ये बहस के लिए रखना ही जायज़ नहीं होगा। लेकिन इसके लिए ये एक ऐसा मामला है जिसको रेफर करना होगा, अगर खुद जो खलीफा है वो खुद मुश्तहिद नहीं है तो वो रेफर कर सकता है किसी आलिम को और वो उस दलील की बुनियाद, दलील की स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर राय अपनाएगा अगर वो इख्तलाफी ओपिनियन होगा। आगे चल के हम इसको देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कवानीन हैं यानी जो मुबाहात की हमने बात की थी, तो एक तो वो है जिसको एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमने अगर ये डिसाइड करना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे बनना चाहिए तो ये जगह के तायुन करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स को रेफर करना होगा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर हमें ये तय करना है कि क्या मोटरवे बनानी चाहिए और या फिर हमें किसी ऐसी जो सफाई का इंतज़ाम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो ये दोनों ऐसे काम हैं जो कि मजलिस उम्मत के अंदर लोग वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बता सकते हैं कि लोगों को अवामी ज़रूरत किस चीज़ की है। हमारे सामने जो यानी जो डिसीशन मेकिंग है जब हम इस लिहाज से मुवाजना करना चाहें कि कैसे खिलाफत के अंदर किस तरीके से डिसीशन मेकिंग की जाती है और कैसे डेमोक्रेसी के अंदर की जाती है, तो हम थोड़ा सा मवाजना ऐसा कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि खिलाफत के अंदर अल्लाह सुबहान व तआला के पास हक में तआमला है, यानी सिर्फ अल्लाह सुबहान व तआला हैं जो कि हुक्म दे सकते हैं। यानी अल्लाह सुबहान व तआला जो जब कुरान में फरमाते हैं कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, तो जो हाकमियत है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो कोई भी इंसान वो कानून अपनी अकल से नहीं बना सकता। तो कोई भी अगर हमें ऐसा मामला जिसका ताल्लुक सिस्टम से होगा, और सिस्टम से मुराद है रूलिंग सिस्टम के अलावा इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, जुडिशल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, कोई भी ऐसा मामला जिसके अंदर इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक इन्वॉल्व है, लिहाजा वहाँ पे हमें इस्लाम को रेफ़र करना होगा और इस्लाम की शरीयत के मुताबिक उस सिस्टम को रेफ़र करना होगा जो कि कुरान और सुन्नत ने वज़ा किया है। तो अल्लाह सुबहान व तआला के जो कवानीन हैं उसको देखना होगा और उसको रेफ़र करना होगा। अगर इसी को मुकाबले में देखा जाए डेमोक्रेसी के अंदर बुनियाद है मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी, यानी डेमोक्रेसी के अंदर जब इस्लाम का बिल भी पेश किया जाता है जो बराए नाम इस्लाम का हो, उसके ऊपर भी मेजॉरिटी की राय ली जाती है और मेजॉरिटी जब तक उसके ऊपर फैसला ना करें वो कानून का दर्जा नहीं हासिल करता। तो ये एक
یعنی جو بیسک ایک فرق ہے کہ خلافت کے اندر اسلام کے اندر جو قوانین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت میں دیے ہیں وہ من و عن نافذ ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنی رائے سے ایک رتی برابر بھی اضافہ کرے یا کمی کرے۔ خلافت کے اندر میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ میجورٹی کی پابند بنایا جائے کہ کوئی بھی اسلام کا قانون کو نافذ کرنا ہے تو میجورٹی کی رضامندی ضروری ہے۔ ہمارے سامنے جب خلافت حضرت ابو بکر کے پاس آئی تو ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جب وہ لڑنا چاہتے تھے تو صحابہ نے اس وقت ان کو رائے دی کہ ابھی اس وقت ذرا سا اس کو مہلت دیں اور تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں، کیونکہ ابھی وہ جن دوسرے مشکلات کے سامنا کر رہے تھے اس میں تھوڑی سی توجہ دینا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر کی رائے بڑی واضح تھی اور انہوں نے اس کے اوپر ایک فیصلہ لیا اور اس کے اوپر سب صحابہ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا۔ لہٰذا جو بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ صحابہ کے ٹائم کے اوپر جب ایسا معاملہ سامنے آیا جہاں پہ اختلاف ہوا تو وہاں پہ اختلاف کی صورت میں جو اس وقت خلیفہ کی رائے تھی اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا، اور آگے چل کے اس کی مزید ہم ایگزامپلز بھی دیکھیں گے۔ تو لہٰذا یہ بڑا فرق ہے کہ جو اختلافی معاملات ہیں، اجتہادی معاملات ہیں، اس کے اندر خلیفہ کے پاس دلائل کی سٹرینتھ کی بنیاد کے اوپر وہ ایک رائے اپنائے گا اور اس کے اوپر تمام لوگوں کو چلنا لازم ہوگا، اور اس کی ہم دلیل دیکھیں گے صحابہ کرام کے اجماع صحابہ سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہو یا قطعی مسئلہ ہو، یعنی قطعی معاملات وہ ہیں جہاں پہ کوئی اختلاف رائے موجود نہیں ہے، حدود کا تعلق ہو یا سود کا تعلق ہو، یہ قطعی معاملات ہیں جہاں پہ کوئی دوسری رائے نہیں کوئی رکھتا، لیکن پھر بھی ہمارے سامنے پارلیمنٹ کے اندر جب تک وہ بل پیش نہ کیا جائے وہ ملکی قانون کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا، حالانکہ وہ 1400 سال پہلے نافذ، 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، وہ اللہ کا قانون موجود ہے، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر کوئی ڈفرینس آف اوپینین بھی نہیں ہے، لیکن موجودہ قوانین اس کو اس وقت قانون کا درجہ دیں گے جب پارلیمنٹ کی میجورٹی اس کے اوپر ایک بل کی صورت میں وہ پیش کیا جائے گا، میجورٹی ہاتھ اٹھائیں گے، میجورٹی اس کو کہیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو حکم نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں انسان فیصلہ کریں گے کہ ہاں اس کو نافذ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ پوائنٹ، یعنی کہ اس کے برعکس، جو مجلس امت کے سامنے اگر خلیفہ یہ اجتہادی اوپینین کی رائے لینا بھی چاہے تو وہ اگر ان میں سے کوئی علماء موجود ہیں تو وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر تو بحث کر سکتے ہیں، لیکن اپنی رائے، اپنی ذاتی رائے کے لیے اظہار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی کہ جس طریقے سے شورا کو آج موازنہ کیا جاتا ہے کہ جمہوریت، یعنی اس کے اندر لوگ بیٹھ کے اور وہ شاید مشورہ کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ اس سے بڑی بغاوت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کے حاکمیت کے دعوے کے خلاف، یہ اس سے بڑا شرک نہیں ہوگا کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ایک حکم دے دیا سود کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کو اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھ کے اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، اپنی عقل کے اوپر اس کو پرکھیں، اور جب میجورٹی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی طرف جائے تو پھر اس کے بعد اس کو ایک اور سپریم کورٹ آ کے اس کو ایک اور سوموٹو لے لے اور اس کو ڈیسیشن کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے، جس طرح سود کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے، سود کے بل کے اوپر پہلے بحث کرتے رہے جس کے اوپر 10-15-20 سال لگا دیے، اور پھر اس کے بعد جب اتنے سال لگنے کے بعد سپریم کورٹ نے آ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ جب تک آپ اس کے اوپر دوسرا کوئی آلٹرنیٹ نہیں لے کر آتے یہ موجودہ سسٹم سود کے اوپر چلتا رہے گا۔
हमारे जो शूरा या हम जब डिस्कशन कर रहे हैं इख्तलाफी मामलात की भी, तो पहली चीज तो ये हो गई कि सोर्स है क्या, माखज है क्या। तो ये बड़ी अहम पॉइंट है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर अहकाम शरिया के माखज सिर्फ चार हैं, और ये चार माखज ही सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए या अहकाम शरिया के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और कहीं से भी हम अगर रहनुमाई लेंगे, हम अगर सोर्स के तौर पे उनको जाके रेफर करेंगे, तो वो वैलिड ओपिनियन ही नहीं होगा, वो दीवार पे मार दिया जाएगा अगर कोई उसकी तरफ रेफर करे। तो कुरान, सुन्ना, इजमा, सहाबा और कयास, ये वो ओपिनियंस हैं, वो सोर्सेज हैं, वो अदिल्ला शरईया हैं जिसके माखज के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। और फिर हम इसके मुकाबले में जब आज की जमहूरियत को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे तो नेशनल इंटरेस्ट है, वहाँ पे तो इंसानी अकल है, वहाँ पे जमहूरियत की दी हुई आज़ादियाँ हैं, या फिर जो हकूक इंसानी के नाम से, हकूक निस्वा के नाम से डिफरेंट लोग हैं जो कि अपनी अकल की आरा रखेंगे और उसके ऊपर बहस करेंगे, मुबाहसा करेंगे। ये है सोर्सेस जो कि इस्लाम देता है उसका जमहूरियत के मुकाबले में मवाजना। सबसे बड़ा जो जो धोखा है कि जब पार्लियामेंट को आपने सोर्स, यानी आपने उसको बना लिया कि वो फैसला करेगी, जब मेजॉरिटी एक तरफ होंगे तो वो फैसला करेगी और वो कानून बन जाएगा, और ये इस्लाम के अंदर इसके बरखिलाफ, जो दलील के ऊपर खड़ा होगा, चाहे वो खलीफा की राय हो, वो दलील पर अगर होगा तो वो बरहक होगा, और उसको ये जस्टिफिकेशन कुरान और सुन्नत के दलाइल से देनी पड़ेगी। यानी ये नहीं हो सकता कि एक खलीफा कह दे कि ये मेरी इस्लाम की राय है, उसको अपनी राय की मजबूती के लिए कुरान और सुन्नत से दलाइल पेश करने पड़ेंगे। और हमारे सामने हजरत उमर रदिलान, जब एक औरत ने मजमे में से खड़े होकर कहा कि ए उमर, तुम कैसे हक महर की रकम मुकर्रर कर सकते हो, तो हजरत उमर जैसे जलील कदर सहाबी वो अपनी राय वापस ले लेते हैं कि औरत ठीक कह रही है। एक शख्स मजमे में से खड़े होकर कहता है कि ए उमर, सबको एक एक कपड़े का पीस मिला है, आपका दराज कद है, तो आपको कैसे दो कपड़े के पीस मिल गए। तो ये है वो यानी ऐसा सिस्टम जहां पे एक हेड ऑफ द स्टेट को भी एक आम बंदा क्वेश्चन कर रहा है और उसे दलील पूछ रहा है, और अगर दलील है तो उसकी बात मानी जाएगी, और अगर दलील नहीं है तो हमने देखा कि कैसे हजरत उमर ने कहा कि औरत ठीक कह रही है। जब हम सोर्सेस की बात करते हैं, ये नहीं हो सकता कि हम किसी और सिस्टम को लें और उसके ऊपर एक छलनी को रखें और हम कहें कि इस्लाम की छलनी को रखें और ऊपर से दूसरे सिस्टम को, चाहे वो मगरब का सिस्टम हो, चाहे वो फारस का हो, चाहे वो किसी भी तागूत का हो, हम उस तागूती निज़ाम को लें और इस्लाम की छलनी में से गुजारें और हम कहें कि अब ये जो छलनी में से गुजर के आया ये इस्लाम का सिस्टम है। तो जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी दूसरे तागूती निज़ाम को लें और हम इस्लाम की छलनी रख के और हम कहें कि ये इस्लाम का निज़ाम अब बन गया। ये सबसे बड़ा धोखा होगा कि अगर हम ये कहें कि तागूती निज़ाम में से अगर इस्लाम से टकराने वाली चीज़ों को हम निकाल दें तो ये इस्लाम बन जाएगा। नाऊज़ु बिल्लाह, इससे बड़ा मुसलमानों के साथ धोखा नहीं होगा कि अगर मुसलमानों को पिछले 100 साल के अंदर किसी चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है कि वो इस्लाम चाहते हैं, और हर जगह पे मुसलमानों को यही धोखा दिया गया है कि आपको हम इस्लाम से टकराने वाली चीज़ें निकाल देंगे, बाकी सारी तागूत ले लो, और यही इसी चीज़ की कश्मकश के अंदर लोगों को डाल दिया कि वो इसी चीज़ में लगे रहे कि क्या ये इस्लाम से टकराती तो नहीं है। तो ये जो पहला प्रिंसिपल हमने सामने रखा है कि सोर्सेज जो भी होंगे, जब हम सिस्टम्स को अडॉप्ट करने की बात करेंगे तो सिस्टम्स हैं इस्लाम की तरफ से
चाहे वो रूलिंग सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या वो जुडिशियल सिस्टम हो, ये सारे के सारे सिस्टम्स वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे होंगे। वो किसी और तागूती सिस्टम से लेकर हम उसको फिल्टर प्लांट में से गुजार के इस्लाम का नहीं बना सकते। ये पॉइंट अगर हम इसको मवाजना में देखें तो हमें नजर आएगा कि डेमोक्रेसी के अंदर हर चीज जायज है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आती हो, और वो चीज जो कि जिसको नेशनल इंटरेस्ट के जुमरे में दाखिल कर दिए जाए तो वो उसके ऊपर मेजॉरिटी भी सवाल नहीं कर सकेगी। तो ये हमारे सामने जो भी सिस्टम की बात रखी जाए वो मेजॉरिटी के साथ पहले तो सामने रखी जाएगी, और मेजॉरिटी के बाद फिर वो अपोजिशन के साथ सौदेबाजी की जाएगी, और वो सौदेबाजी में कामयाबी के बाद और वो सारे के सारे लोगों की रजामंदी के बाद एक कानून का दर्जा हासिल कर लेगी। हमारे सामने हम देख सकते हैं कि पिछले 30-40 साल सूद की बहस के अंदर कैसे लगाए गए, और सादा लोग जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम चाहते हैं, वो इसी के अंदर कैसे इस बहस के अंदर उन्होंने अपना टाइम लगाया, और वो शायद इसी कोशिश में है कि शायद इसी निज़ाम के ज़रिए से शायद इस्लाम जागेगा या इस्लाम की रूह फूटेगी और इस्लाम पैदा हो जाएगा। हमें ये पॉइंट समझना चाहिए कि अगर इस्लाम के लिए कोशिश या इस्लाम के निज़ाम को समझना है तो वो इस्लाम के सोर्सेज से ही समझा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि हम किसी मगरबी एक ऐनक से उठाएं और हम इस्लाम की चीजों को समझना शुरू कर दें। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं जो मुबाहात में शामिल हैं, इसके बारे में ये कंफ्यूजन बहुत सारी मौजूद है कि जो हमारे एडमिन लॉज हैं उसके बारे में क्या होगा। चलें जो चीजें सिस्टम से मुतालिक हैं उसके बारे में तो अहकाम शरिया आ गए, लेकिन जो एडमिन लॉज हैं उनका क्या होगा। तो पहली चीज ये कि एडमिन लॉज को भी हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि एक वो हैं जो कि जिसके बारे में एक्सपर्ट अपनी राय देंगे, और एक्सपर्ट ओपिनियन उसके देखा जाएगा कि वो एक्सपर्ट ही उसके बारे में जो राय देंगे उसी को हम रेफर करें। हमारे सामने अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि जब ग़ज़वे उहद के मकाम का तायुन करना था तो हमने देखा कि ये यानी जो फैसला था लोगों के ऊपर सामने रखा गया, और ग़ज़वे बदर के मौके के ऊपर भी पड़ाव कहाँ डालना है ये वाला फैसला के ऊपर एक सहाबी के राय मानी गई। तो हमने देखा कि कैसे जब टेक्निकल मैटर था ग़ज़वे बदर के मौके पे पड़ाव कहाँ डालना है तो एक सहाबी की राय मानी गई और उनको कुएं के पास पड़ाव डाला गया और उनकी एक सहाबी की राय को माना गया। जबकि दूसरी तरफ जो ग़ज़वे उहद था उसमें मेजॉरिटी लोगों की राय को माना गया और शहर के बाहर जाके लड़ा गया। तो दोनों मामले के अंदर एक नुक्ता बारीक है, और वो है कि अगर एक मामला जहां पे तमाम लोग वाकिफ हों और वो एक एक्शनेबल आइटम हो, वो एक प्रैक्टिकल मैटर हो जिसके बारे में उम्मत ज्यादा आगाही रखती है, तो फिर हम उम्मत के रिप्रेजेंटेटिव्स से आगाह उससे राय ले सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल के तौर पे हमने जब कहा था तो हमने मिसाल दी थी कि हम लोगों से ये पूछ सकते हैं कि उनकी इलाके के अंदर उनको किस चीज की तंगी है, क्या उनकी सड़क को वसीक किया जाए या उनके सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। तो ये लोगों से हम पूछेंगे और लोग इसके बारे में ज़्यादा बेहतर फैसला बता सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम टेक्निकल मामले में हम रेफ़र करेंगे तो हम सिर्फ एक्सपर्ट्स को रेफ़र करेंगे, और यही मिसाल हमारे सामने आज भी हम ले सकते हैं कि अगर डैम बनाना है तो डैम बनाने के लिए अगर आपने फैसला करना है तो आप एक्सपर्ट्स से उसकी राय लेंगे, ना कि आप लोगों से जाके उसकी मेजॉरिटी से पूछेंगे। तो ये अगर देखा जाए डेमोक्रेसी के अंदर, चाहे वो
मामला हो एक्सपर्ट्स का या मामला हो अवामी सतह का, वो आपके पास पार्लियामेंट जब तक उसको एक कानून का दर्जा नहीं देती उसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। और ये हमारे सामने यानी एक बड़ी वाज़े इसके ऊपर यानी डेमोक्रेसी के अंदर जिस तरीके से फैसला साजी की जाती है ये एक मुअम्मा है कि कैसे मसले जो हैं वो हल नहीं होते और मसले जो हैं वो लोगों के अवामी जो मसाइल हैं वो हर वक्त एक अगर कराची के मसलों की तरफ देखा जाए हालिया बारिशों की वजह से वहाँ पे जो हालत बनी, तो ये पिछले 40 साल 50 साल की जितनी हुकूमतें आई हैं मकामी गवर्नमेंट्स, हर बंदा ये दावा करता रहा कि वो लोगों के मसाइल को हल करेगा लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो ये इस्लाम के अंदर जो अवामी इश्यूज हैं ये रूलर के लिए लाजम होगा कि वो अवामी इश्यूज के अंदर लोगों की जो तर्जुमान है जो उम्मत है उम्मत की तरफ से भेजे गए मजलिस उम्मत के नुमाइंदगान हैं वो उनकी बात को सुने और वो पाबंद होगी उसके ऊपर अमल दरामद करने पे। ये थोड़ा सा समझने के लिए कि कैसे डिसीजन मेकिंग जो है वो खिलाफत के अंदर और डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में फ़र्क है। अगर आप ये देखें कि डिसीजन मेकिंग की जा रही है जिसके अंदर जो लेजिस्लेटिव यानी कि कानूनी मामलात हैं जिसको हम सिस्टम्स के तहत बातचीत कर रहे हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम है, रूलिंग सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ये सारे वो कानूनी मामलात हैं जहां पे हमें कुरान और सुन्नत से अखज़ शुदा सिर्फ हुक्म शरई ही देखने हैं और उन्हीं को देखना है कुरान और सुन्नत की दलील की बुनियाद पे। दूसरी तरफ आपको नजर आते हैं वो मामलात जो के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हो सकते हैं, जो के अवामी इश्यूज हो सकते हैं जिसके बारे में अवाम ज्यादा आगाही रखते हैं, तो हम उनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स को रेफर करेंगे और उनकी मेजॉरिटी बाइंडिंग होगी। और तीसरे मामलात वो हैं जिसके अंदर एक्सपर्टीज हमें चाहिए और एक्सपर्टीज का मतलब ये होगा कि वो सिर्फ एक्सपर्ट्स की ही राय बाइंडिंग होगी, यानी कि खलीफा के सामने एक्सपर्ट जो राय रखेगा खलीफा किसी एक एक्सपर्ट की राय को अडॉप्ट कर लेगा। तो लिहाजा मेजर फर्क अगर देखा जाए सबसे लेफ्ट साइड पे जितने सिस्टम से रिलेटेड यहां पे फर्क है। अगर देखा जाए डिक्टेटरशिप के अंदर तो डिक्टेटरशिप के अंदर एक रूलर है जिसने फैसला करना है और हर चीज के बारे में, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम है, रूलिंग सिस्टम है, सोशल है, जुडिशियल है, एजुकेशन पॉलिसी, वो रूलर है जिसने तय करना है, चाहे वो किसी से मशवरा करे या ना करे, वो अपनी अकल से फैसला करे या किसी और से उसकी राय ले ले, तो वो है एक रूलर, एक शख्स जिसने फैसला जारी करना है और वो बादशाहत की तरह है। अगर वो जो रूलर किंग है उसने अगर वो जारी कर दिया तो वो कानून बन जाएगा। और यही मामला दूसरे मामलात जो के एडमिन मामलात हैं या एक्सपर्ट वाले मामलात का भी है, एक ही फैसला करने वाला शख्स जो के डिक्टेटर है जो के बादशाहत के अंदर, वो अगर उसके लिए कानून जारी करेगा तो वो कानून का दर्जा बन जाएगा। डेमोक्रेसी के अंदर अगर देखा जाए तो नाम निहाद ये दावा किया जाता है कि ये अवाम के नुमाइंदागान हैं जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर जाके पार्लियामेंट के अंदर जाके वो कानून साजी करते हैं, लेकिन हकीकत में ये देखा जाता है कि जो एक एलीट ग्रुप है वही असल में फैसला साज वो फैसला साजी के ऊपर अपनी सारी के सारी जो उसकी उसकी मर्जी से फैसले होते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो हमारे सामने चीनी की कीमत ऊपर गई, हमारे सामने कैसे जो सब्सिडी देनी है चीनी के बारे में, तो वो चीनी के जो ठेकेदार या चीनी के जो कारखानेदार हैं वो सारे खुद बैठे हुए असेंबलीज के अंदर। तो ये फैसला करना कि अगर वो कब इसको सब्सिडी देनी है, कब इसको एक्सपोर्ट करना है, ये सारे के सारे फैसले जब आपने उस ग्रुप के सामने करने हैं जो कि इसके अंदर अपना मफाद शामिल किए हुए हैं,
तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा कि वो अपने मफाद को नज़रअंदाज करके लोगों के लिए कुछ करेंगे। लिहाजा हमने देखा कि ये एक एलीट ग्रुप है जो कि हर शोबे के अंदर, चाहे वो ऑयल लॉबी हो, हमने देखा कि जैसे ही तेल की कीमतें सस्ती हुई तो लोगों के लाइनें लग गईं और वो नायाब हो गया तेल, लोगों के लिए वो मुयसर ही नहीं था। और लोगों ने इसको कहा कि कम अज कम महंगा था तो मुयसर तो था। तो हमने देखा कि एक पूरी लॉबी है जो कि इस सारी चीज़ों को, कानून साजी को कंट्रोल करती है, चाहे वो ऑयल लॉबी हो, चाहे वो चीनी गंदम का मामला हो, चाहे वो ज़रात का मामला हो, हर शोबे के अंदर एक लॉबी है, वो एलीट ग्रुप है जो कि फैसला साजी के ऊपर असरअंदाज करता है। और हमने देखा कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स रूलिंग सोशल सिस्टम के अंदर नहीं, हर मामले के अंदर ऐसा है जहाँ पे एक खास एलीट ग्रुप है जो कि सारे जो अहम मामलात हैं उसके अंदर अपना असर और रसूख रखता है। कुछ ऐसे मामलात हैं जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर डायरेक्ट जो है वो बाहर की कुव्वतों का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें पता है कि IMF डायरेक्ट इन्वॉल्व होके वो आपके सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम तफसील से वो ही उसकी तफसीलात तय करती है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर डायरेक्ट जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है वो उसकी तफसीलात के अंदर इन्वॉल्व है कि कैसे हमने अफगानिस्तान, कैसे हमने दूसरे ममालिक के साथ अपने मामलात तय करने हैं। तो बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जिसके अंदर हम उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर रह के ही काम कर रहे होंगे। बाकी जो एडमिन या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं या फिर जो दूसरे एक्सपर्ट मामलात हैं उसमें भी ऐसे ही यही इलीट ग्रुप, यही सो कॉल्ड जो के लॉबी, डिफरेंट लॉबीज हैं, यही फैसला साजी के अंदर शामिल है। और इन्हीं लोगों का फैसला असल में आखिरी एक हतमी राय की सूरत में सामने आता है। थोड़ा सा इस चीज़ को हमें समझने के लिए कि जो मसले से उम्मत है और जो पार्लियामेंट है इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत मेजर। जो मजलिस उम्मत है, मजलिस उम्मत कानून साज इदारा नहीं है। मजलिस उम्मत जो है वो मेजॉरिटी का ओपिनियन जो नॉन टेक्निकल मैटर्स हैं और जो सिस्टम से रिलेटेड मैटर्स हैं उसके अंदर उसकी राय, मेजॉरिटी की राय कोई बाइंडिंग नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर मेजॉरिटी की राय बाइंडिंग है। तो मेजॉरिटी जब तक नहीं होगी कानून का दर्जा नहीं हासिल होगा, एक बिल पास नहीं होगा, एक बिल कानून की हैसियत हासिल नहीं करेगा जब तक मेजॉरिटी उसको एनेक्ट नहीं करती। तो लिहाजा चाहे वो मामला हो टेक्निकल नोयत का या फिर मामला हो ऐसा नोयत का जो कि सिस्टम से मुतालिक है, वहाँ पे मजलिस उम्मत के मेंबर्स दलील की बुनियाद पे तो बहस कर सकते हैं, एक्सपर्ट के तौर पे तो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उनकी राय को अडॉप्ट करना, वो खलीफा ऐसे ही उसको ट्रीट करेगा जिस तरह एक एक्सपर्ट की राय को। जो अकाउंट्स, यानी कि ये मजलिस उम्मत का जो बुनियादी काम है वो रूलर की अकाउंटेबिलिटी करना है। और यहाँ पे ये अहम है नुक्ता समझना कि उन लोगों को अवाम ने भेजा है इस मकसद के लिए कि वो लोगों की नुमाइंदगी करते हुए जाके रूलर की अकाउंटेबिलिटी कर सकें। तो ये एक मेजर काम है कि वो अकाउंट करें हर उस डिसीजन के अंदर जहाँ पे उनको लगे कि ये गलत डिसीजन लिया है, या अवामी जो प्रैक्टिकल मैटर्स थे जहाँ पे अवाम की ज़्यादा राय को तरजीह दी जानी चाहिए थी, वहाँ पे अगर तरजीह नहीं दी जाए तो ये ज़रूर उसको फैसला कर, उसको सवाल कर सकते हैं, ना सिर्फ सवाल कर सकते हैं बल्कि जो इनकी मेजॉरिटी की राय होगी वो बाइंडिंग होगी रूलर के ऊपर कि वो उस अवामी इश्यूज के अंदर जो अवाम की मेजॉरिटी की राय है, यानी उनके नुमाइंदगान की जो मेजॉरिटी की राय है उसको अडॉप्ट करें। जो यानी यहाँ पे ये पॉइंट कि जो भी उम्मत के नुमाइंदगान हैं वो ऐसे मामलात के ऊपर जहाँ पे इख्तलाफ होगा खलीफा के साथ, फॉर एग्जांपल दलील उन्होंने पेश की और खलीफा वो इख्तलाफ राय रखते हुए उसने अपनी दलील पेश की, तो इस मामले के अंदर काजी मजालिम होगा जो कि देखेगा कि वाकई क्या इख्तलाफ राय का मामला है।
अगर तो इख्तलाफ राय का मामला है, इज्तिहादी मामला है, तो वो इवन के दोनों अपनी दलाइल दे रहे हैं तो वो खलीफा की राय के ऊपर उसको पाबंद करवाएगा कि ये वाकई इख्तलाफी मामला है और इसके ऊपर खलीफा की राय के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन अगर तो कोई बंदा ये इशू रेज करता है कि ये इख्तलाफी मामला नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है और खलीफा ने एक राय ऐसी अपना ली है जो कि अपनी मनगढ़ंत दलील से पेश कर दी है, तो काजी मजालिम के पास ये फैसला या ये मामला जा सकता है और वो इसके बारे में फैसला करने के मजाज होंगे कि क्या ये इख्तलाफी मामला भी है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आज ये बात करना चाहे कि क्या औरत के पर्दे के बारे में एक बंदा दलील पेश करना चाहे कि जनाब आज के दौर के अंदर आज के हालात के मुताबिक नहीं है और ये मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए, तो ऐसी दलील जो कि अकलन यानी सामने रखी गई हो, वो चार सोर्सेस से ना ली गई हो, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा कोई भी ऐसा जो भी मामला अगर खलीफा ने अडॉप्ट किया है तो उसको दलील के साथ उम्मत जो मजलिस उम्मत के सामने उसके दलाइल रखना लाजम है ताकि उम्मत ने जो मजलिस उम्मत को वो सेटिस्फाई कर सके कि ये मैंने दलाइल ये दी हैं कुरान से और सुन्नत से, ये दलाइल है। वो हर वो चीज जो कि कुरान और सुन्नत से अगर अडॉप्ट करेगा तो उसकी दलील पेश करेगा ताकि ये सेटिस्फाई कर सके कि ये वाकई कुरान और सुन्नत के ऊपर मबनी अहकाम हैं जो कि उसने हमारे ऊपर नाफिज किए। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा मामला नहीं है जो कि यानी मेजॉरिटी के अलावा जिसको रेफर किया जाए। अगर नाम निहाद एक शरीयत कोर्ट बना भी दी गई, लेकिन अगर देखा जाए शरीयत कोर्ट उसके मुकाबले में जो पार्लियामेंट के पास इस्तेहकाक है वो ज़्यादा है और जो शरीयत कोर्ट है वो उसको रिवर्ट नहीं कर सकती। जो आइडियोलॉजिकल काउंसिल है वो एक और ऐसा नाम निहाद इदारा है जो कि सिर्फ एक मशवरा दे सकता है, वो उस पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है उसको वीटो नहीं कर सकता, वो सिर्फ मशवरे के तौर पे एक मशवरा दे सकता है जिसको वो माने या ना माने। लिहाजा पार्लियामेंट की अथॉरिटी फाइनल अथॉरिटी है जो कि मौजूदा कानून को बनाने के लिए वो आखिरी मोहर सख्त करेगी। ये एक यानी हमारे सामने जो एक ऐसा पॉइंट जो कि रखा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो जब मेजॉरिटी के सामने राय रखी जाती है तो वो कैसे लोगों के मेजॉरिटी की बुनियाद पे एक राय अपना लेती है। इस्लाम के अंदर ये बड़ा वाज़े है कि जो कतई अहकाम हैं उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है, वो तो मनोआन एज इज नाफिज़ होंगे। तो हमारे सामने ये हो नहीं सकता कि जो कतई मामलात हैं उसके ऊपर बहस की जाए। तो बड़ी अजीब सी बात है कि खत्म नबूवत के ऊपर आज हम इस बात को दावा करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया, लेकिन हमने कभी इस बात के बारे में नहीं सोचा कि वो कैसे कानून बनाया गया या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको दर्जा दिया गया। इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बहस की गई और इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बहस करके जब अवामी नुमाइंदगान ने उसके ऊपर हाथ खड़ा किया मेजॉरिटी ने, तो वो एक कानून का दर्जा उसको मिला। तो जिस चीज को आप अकीदे का हिस्सा समझते हैं उसके ऊपर भी जब मेजॉरिटी फैसला करेगी तो वो आपके कानून का हिस्सा बनेगा। ये है आज की नाम निहाद एक सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरियत जिसको बाज लोग शूरा के साथ ताबीर करते हैं कि शायद ये नाम चेंज करने से वो इस्लाम का लेबल लगाने से वो शायद इस्लाम के करीब हो जाएंगे। तो ये बड़ी वाज़े चीज़ है कि एक कतई मामलात है जिसमें कोई यानी फैसला उसको लेकर अडॉप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मनो अन नाफिज करेंगे सारे के सारे, जितने काजी हैं वो एज इज़ उसको नाफिज करेंगे, जितने वाली हैं जितने आमिल हैं वो एज इज़ उसको नाफिज करेंगे जो कतई मामलात हैं। और जो ज़न्नी मामलात हैं उसके बारे में हमें मिलती है सहाबा कराम से ये एग्ज़ैम्पल कि जब हज़रत अबू बकर खलीफा थे तो हमने देखा कि जो तलाक के बारे में उनकी राय थी उसको नाफिज किया गया, और जब हज़रत उमर खलीफा बने
तो हमने देखा कि तलाक के बारे में जो उनकी राय थे वो मुख्तलिफ थी और उसको नाफिज किया गया। हम देखते हैं कि जो ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन है, हज़रत अबू बकर की राय थी कि उसको यकसा तौर पे, यानी उनकी राय थी कि उसको तमाम मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए यकसा तौर पे। हज़रत उमर की राय डिफरेंट थी और वो ये समझते थे कि इसको पहले वाले जो अवलीन थे उनके दरमियान डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए और बाद वालों में डिफरेंट। तो ये इस लिहाज से देखा जाए कि जो जनी मामलात थे उसके ऊपर जो खलीफा का ओपिनियन हुआ करता था वो अडॉप्ट करता था और तमाम के तमाम फिर जो लोग यानी सहाबा कराम उस चीज को सुनते थे उसके ऊपर अमल करते थे। हमारे सामने ये एग्जांपल मौजूद है कि जब फॉर एग्जांपल जब ये खराज लेने की बात आई तो उसके ऊपर बहस हुई सहाबा के दरमियान, लेकिन जब हजरत उमर ने अपने दलाइल पेश किए और जब उन्होंने दलाइल पेश किए और कुरान की आयत सामने रखी सूरह हशर की 7 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद सहाबा सारे के सारे उसके ऊपर उनको इत्मीनान हो गया कि हजरत उमर की राय कवी दलील पर है। तो ये एक ऐसा इज्तिहादी मसला था जिसके ऊपर जब उन्होंने अपनी दलील से राय दी तो तमाम के तमाम सहाबा कराम उसके ऊपर राजी हो गए और ये उसके ऊपर तमाम लोग उसके ऊपर अमल दरामद किया। तो ये बात समझने की जरूरत है कि जब भी इज्तिहादी मसला हो तो खलीफा के लिए या वाली के लिए दलील सामने पेश करना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ कहे कि बस ये मेरी इस्लामी राय ये है और ये मैंने फलां फतवा किसी से ले लिया है और वो किसी भी शख्स का नाम ले ले कि मुफ्ती फलां से मैंने ये, शेखुल इस्लाम फलां से मैंने ये लिखवा लिया है। उसके लिए इज्तिहादी मैटर्स में ये वाज़े करना ज़रूरी होगा कि ये दलाइल मैंने ये कुरान और सुन्नत से अखज किए हैं। अगर वो खुद मुश्तहिद नहीं है तो वो फलां आलिम को भी रेफर करेगा तो वो साथ उसके दलाइल पेश करेगा कि ये हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल जिसके ज़रिए से ये इज्तिहादी मामला अखज किया गया है। यानी जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का ताल्लुक है तो वहाँ पे वो जब दलाइल की रोशनी में सामने रखेगा तो वहाँ पे उलमा बहस भी कर सकते हैं। मजलिस उम्मत के वो मेम्बरान जो कि यानी आलिम हैं, मुफ्ती हैं, शेखुल इस्लाम हैं, वो बहस भी कर सकते हैं और वो दलील की बुनियाद के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रख सकते हैं और वो उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ वो एक्शनेबल उसके खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि उनको पता है कि ये इख्तलाफी मामला है। ये अगर देखा जाए कोई ऐसी यानी कि हमारे सामने जो कतई अहकामात हैं आज उसके ऊपर भी हमारे सामने डिबेट मौजूद है, हमारे सामने सूद की डिबेट मौजूद है, हमारे सामने अकीदा के मामलात की डिबेट मौजूद है। तो ये है डेमोक्रेसी की असलियत और खिलाफत उसके मुकाबले में कतई चीज़ों के ऊपर कोई बहस मौजूद ही नहीं है और बहस करने का मतलब ये बनता है कि आप अल्लाह सुब्हान तआला की हाकमियत को चैलेंज कर रहे हैं। और जो आखिरी पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से, शूरा के अंदर या मजलिस उम्मत के अंदर जो बुनियादी उनका काम है वो अकाउंटेबिलिटी है। मजलिस उम्मत जो है वो लीड करती है उम्मत के बिहाफ के ऊपर के वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। तमाम के तमाम लोगों के बिहाफ के ऊपर मजलिस उम्मत और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये काम कर रही होती हैं। इसके मुकाबले में अगर डेमोक्रेसी को देखें तो आपको नजर आएगा कि एक ऑप्शनल चीज है जहां पे लोगों के पास ये इख्तियार मौजूद है और वो इख्तियार भी बाज लोगों में से बाज के पास तो है और बाज में वो इख्तियार भी नहीं है कि वो इसको यानी वो काउंट कर सकें। तो ये है असलियत कि जहाँ पे हम कह रहे हैं कि खिलाफत के अंदर ये फ़र्ज है उम्मत के ऊपर और उस फर्ज के अंदर मजलिस उम्मत नुमाइंदगी करती है वो अकाउंटेबिलिटी करते हुए, जिसकी एग्जांपल्स हज़रत उमर की फॉर एग्जांपल मैंने दो एग्जांपल्स सामने दी, हिस्ट्री भरी पड़ी है कि कैसे अकाउंटेबिलिटी के अंदर वो इस्लाम कैसी ज़बरदस्त मिसालें हमारे सामने पेश करता है और डेमोक्रेसी में हमारे सामने उसके बरक्स हमारे सामने वो टोला जो कि इलीट का टोला वो हमें नज़र आता है कि अपने मफाद के तहफ़ुज़ के लिए
वो एक दूसरे को बचाने के लिए एनआरओस तो करेंगे लेकिन अकाउंटेबिलिटी नाम की कभी कोई चीज नहीं होगी। तो नैब चाहे वो सैफुर रहमान की हो या वो आजकल की जस्टिस जो आजकल के हैं वो चला रहे हों, वो हमें एक ही चीज नजर आएगी कि कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिलके मफाद को पूरा करेगी। तो वो दोनों टोले मिलके मफाद का तहफ्फुज करेंगे एक दूसरे की, रूलिंग और अपोजिशन दोनों मिलके चलेंगे तो ये निज़ाम चलेगा, और दोनों अगर नहीं चलेंगे तो ये निज़ाम भी नहीं चलेगा। और इसके दलाइल बहुत सारे हैं जहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी के दलाइल हमें मिलते हैं। इसकी हदीस हमारे जो मशहूर हदीस है कि अफजलुल जिहाद कलिमतु हक इंद सुल्तान जायर, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना अफजल तरीन जिहाद है। एक और हदीस है वो हक बात जो जाबिर हुक्मरान के सामने कही जाए वो और उसको कत्ल कर दिया जाए, ये यानी इसके ये अफजल यानी इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जो सैयद शुहदा वाली हदीस है जिसमें फरमाया कि शुहदा के सरदार हमजा बिन अब्दुल मतलब हैं, और वो शख्स जो जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा हो और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे और वो हुक्मरान से कत्ल कर दे। ये यानी अगेन ये हदीस जिसमें फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन इमाम वो हैं जिनसे तुम मोहब्बत करो और वो तुमसे मोहब्बत करें, तुम्हारे लिए दुआएं करें तुम उनके लिए दुआएं करो, तुम्हारे बदतरीन इमाम वो हैं जिनसे तुम बोगज रखो और तुम उनसे बोगज रखें, तुम उन पर लानत भेजो और वो तुम्हें लानत भेजें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया क्या हम इस सूरत में बज़ोर शमशीर उन्हें ना हटाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक़्त तक नहीं जब तक वह तुम्हारे दरमियान नमाज कायम रखें, और अगर तुम अपने हुक्मरानों से कोई नापसंदीदा चीज़ देखो तो सिर्फ उस चीज़ को नापसंद करो और अता से हाथ ना खींचो। यानी अकाउंटेबिलिटी उस वक़्त तक हाथ से नहीं यानी फिजिकली नहीं करनी जब तक वो इस्लाम के ऊपर कारबंद रहें, यानी कतई चीज जब वो उसकी खिलाफ वर्जी करें तो फिर आपने हाथ से उनका गिरेबान पकड़ लेना है। और ये इसकी दूसरी जो अहदीस हैं उसके अंदर इसकी बड़ी वजाहत मिलती है कि आपने तलवार से उनको सीधा करना है अगर वो कतई चीज की जो कि यानी कि उसकी खिलाफ वर्जी अगर करें जो कि इस्लाम में वाजे हैं, अगर उसके खिलाफ हो जाते हैं तो आप फिर उनको हाथ से सीधा करेंगे। और आखिर में हमारे लिए क्या आगे का वे फॉरवर्ड किया है, जिस तरह फरमाया कि ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ये उम्मत के ऊपर फ़र्ज है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आज कि हम उम्मत के अंदर इस अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को पूरा करते हुए लोगों के अंदर इस अवेयरनेस को आम करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से इस्लाम तफसीलात देता है और सिर्फ चंद चीज़ों का नाम नहीं है, और हम गहराई के साथ लोगों को ये समझाएं कि इस्लाम किस तरीके से तमाम तफसीलात को कवर करता है। हम उन इन्फ्लुएंसर्स के पास इस्लाम का पैगाम लेकर जाएं जिस तरह मुसअब इब्ने उमैर मदीना के अंदर लेकर जाते थे, ताकि वो इसके सपोर्टर बन सकें, ताकि वो इसको नुसरत दे सकें जिस तरह मुसअब इब्ने उमैर को नुसरत उन्होंने दी और मदीना के अंदर पहली रियासत इस्लामी रियासत कायम हुई। आज हमें ज़रूरत है कि हम उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करें और ये इस्लाम की जो समझ है उनके सामने रखें और वो इसकी सपोर्ट उनके लिए हासिल कर सकें। आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक मैसेज के अंदर हम इस अवेयरनेस को कायम कर सकें कि वो इन सिस्टम्स इस्लाम के सिस्टम्स की तफसीलात को समझ सकें, ताकि जब कभी इस्लाम नाफिज हो तो वो खुद क्वेश्चन करें, वो खुद अकाउंट करें और वो खुद ये कह सके कि ये दलील क्या है इस बात की, तुमने ये काम किया इसकी दलील दो। और ये हमें इस पॉइंट को समझना चाहिए कि हमें कंप्लीट पैकेज की तरफ दावत देनी है, हमें पार्शियल सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमने देख चुके हैं कि माजी में किस तरीके से हमें थोड़ी सी चीज के ऊपर अमल दरामद की तरफ बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये इस्लाम का थोड़ा सा हिस्सा ले लो और बाकी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लो। हमें कंप्लीट पैकेज की तरफ दावत देनी है और यही मुनासिब तरीन टाइम है इस वक्त। अगर आज
टाइम नहीं है तो फिर कब टाइम है? यानी अगर आज खिलाफत का टाइम नहीं है, मौजूद तरीन टाइम नहीं है, तो फिर कब टाइम है? और ये ही टाइम है जब हम इस वक्त लोगों को पुकार दे सकते हैं कि ये जल्द से जल्द लोग इसको समझें, और जो इसके ऊपर जितना जल्दी जो हिस्सा डाल सकता है वो अपना हिस्सा डालें, ताकि जो आने वाले वक्त में जब ये कायम हो जाएगी तो फिर उस वक्त ये टाइम नहीं होगा जो आज इस वक्त हम इसके लिए जो जद्दोजहद कर सकते हैं। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं Q&A के लिए इंशाल्लाह फ्लोर ओपन करूँगा। जिन व्यूअर्स के जो भी सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह वन बाय वन उन क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। एक सवाल कमेंट सेक्शन में है कि इस जमहूरियत के निज़ाम में शरिया कोर्ट क्या क्या रोल है? Exactly. कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था। शरिया कोर्ट एक जो इस्लामिस्ट हैं उनको शायद बहलाने के लिए एक ऐसा मुतबादल इन्होंने अदालती निज़ाम बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे जो इस्लाम की ऐसी टकराने वाली इस्लाम से टकराने वाली मामलात, या मामलात तो नहीं कहने चाहिए, ऐसे कवानीन वो शरिया कोर्ट के अंदर ले जाएंगे और वो फिर उस वो शरिया कोर्ट उनके बारे में फैसला करेगी। फिर नहीं, इसकी एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है कि कैसे जो सूद के बारे में जो फैसला है वो शरिया कोर्ट ने किया, और शरिया कोर्ट ने बड़ा तफसीली फैसला किया, क्योंकि ये कहा गया कि ये एक शरई मसला है तो इसके बारे में शरीयत फैसला करेगी, तो शरीयत कोर्ट ने फैसला किया इसके बारे में। लेकिन ये अजीब बात है कि शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुमोटो लेके उसको एक तरह का मुअत्तल कर दिया कि जब तक आपके पास कोई इसका अल्टरनेट नहीं आता आप इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इस्लामिस्ट के लिए एक एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको बिजी रखे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा शरीयत कोर्ट के अंदर जो हमारे सामने केसेस गए हैं, हम देख सकते हैं कि वो एक ऑप्शनल चीज़ है, जो कि आप चाहे उधर जाएं शरीयत कोर्ट में जाएं, या फिर आप दूसरी जो मैं कहूँगा कि जो बरतानवी राज के ज़माने का कानून है, पिनल कोड है, उसको रेफ़र करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप उधर चले जाएं। तो ये एक मज़ेका खेज इस्लाम के साथ मजाक है कि आपने पैरेलल सिस्टम ऐसा बनाया जहाँ पे शरीयत के मुताबिक आपकी मर्ज़ी हो तो उधर ले जाएं, और जब उधर से फैसला आ भी जाए तो फिर आप उसको अपनी मर्ज़ी से सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से उसको रोक दें। तो ये हमारे सामने एक मजाक है इस्लाम का, जो कतई उमूर है, यानी सूद जो कि अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है, अगर आप उसके साथ ये काम कर सकते हैं तो फिर आप दूसरे मामलात के बारे में क्या करेंगे? तो लिहाजा ये बड़े एक इस्लाम के साथ एक ऐसा मजाक किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस्लामिस्ट, क्योंकि वो देख चुके हैं कि कैसे अगर कतई चीजों के बारे में अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो फिर दूसरे मामलात को दूर ही रखें। सही है, जज़ाकल्लाह खैर। और भी जिस व्यूअर्स के जो भी सवालात हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल पोस्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो वो मैं नहीं लूँगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।
जो लोग ये लाइव टॉक देख रहे हैं बाद में, तो वो पब्लिक कमेंट्स में जाके भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और हम वहाँ पे भी उनको आंसर करेंगे। एक सवाल है कि मैं ये स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, व्हाई पीपल कैन नॉट सी दिस थिंग, इट्स सो क्लियर बट स्टिल पीपल कैन नॉट सी दैट इस्लाम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। लोगों को इस ये धोखे में क्यों है अभी तक कि इस्लाम इम्प्लीमेंटेड है? मेरा ख्याल में तो लोगों को ये मालूम है कि इस्लाम का निफाज नहीं है, इसलिए बहुत सारी जो आपको इस्लामिक पार्टीज नज़र आती हैं जो इस्लाम के निफाज की बात करती हैं, ये और बात है कि वो उनकी कोशिश वो ऐसी ही है कि अगर इस मौजूदा निज़ाम के अंदर रह के वो स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि वो इसी के अंदर से ही तब्दीली शायद ले आएंगे। उनको ये बात समझाने की ज़रूरत है कि आप जितना मर्जी अगर पिछले 70 सालों के अंदर आप देख चुके हैं कि इस्लाम इसके ज़रिए से और ज़्यादा सुकड़ता गया है, तो कभी भी मौजूदा निज़ाम के ठेकेदार वो कभी भी इसके ज़रिए से आपको ऊपर नहीं आने देंगे। और ये हमें इस्लामिस्ट जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो इस मायूसी के अंदर जा चुके हैं कि उनको मालूम है कि मौजूदा निज़ाम के अंदर कोई उनके लिए उम्मीद नहीं है, और वो उस पॉपुलिस्ट या उस पॉलिटिक्स के अंदर जाके और गंदे होना चाह रहे हैं और वो हो चुके हैं। तो वो ये बात इस वक्त इसको ज़्यादा समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपने पास मफाद की बुनियाद के ऊपर आते हैं और अपने जो असासे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आते हैं, उनकी हिफाजत के लिए आते हैं। जो इस्लामिस्ट हैं उनसे क्या लेना देना, लिहाजा इस्लामिस्ट इसमें आके गंदे होते हैं तो इसलिए फिर वो बाद में मायूस भी हो जाते हैं। तो लिहाजा इस्लामिस्ट इस बात को जानते हैं कि ये इस्लाम पर मबनी निज़ाम नहीं है, इसीलिए वो इसको कोशिश कर रहे हैं इसको इस्लामाइज करने की। हमारी ये इस बारे में वाज़े ये सोच है कि इस्लामाइजेशन की ये जो स्ट्रगल है, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करके बिट्स एंड पीसेस के अंदर जो इस्लाम को बदलने, कुफर से बदलने की जो कोशिश है जिसको इस्लामाइजेशन से ताबीर किया जाता है, ये कभी भी जो सही माने में इस्लाम, मुकम्मल इस्लाम का पैकेज आपको नहीं दे सकता। ये मुकम्मल तौर पे आपको वो इस्लामी रियासत नहीं दे सकता जिसकी जो 1200 साल तक 1300 साल तक जिसकी हिस्ट्री गवाह है। ये हमारे सामने एक ऐसी ये एग्जाम्पल मैं सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये लोगों को शायद बिजी रखने के लिए मैं समझूंगा कि और रुकावट डाल देता है, जो सिंसियर लोग हैं उनको रोक देता है कि वो सही तरह इसके लिए स्ट्रगल भी कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों सिंसियर लोगों को अप्रोच करने की ज़रूरत है कि इस मौजूदा निज़ाम के अंदर बिट्स एंड पीसेस के ज़रिए से कभी तब्दीली नहीं आएगी। ये ऊपर जो इसके ठेकेदार हैं वो कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस तरह से एक एक पीस के अंदर से आपको यानी कि एक मिसाल के तौर पे शराब खाने के अंदर आप मुसल्ला डाल के नमाज पढ़ लें और समझें कि ये मेरे इस्लाम यानी नमाज पढ़ने की इजाज़त देना, इसको आप ताबीर करें कि ये गोया कि उसने मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है तो ये अब इस्लामी मस्जिद बन गई है। नाउज़ुबिल्लाह यही इस वक्त डेमोक्रेसी की रियलिटी है कि मुझे इस्लाम यानी नमाज पढ़ने की इजाज़त देने से ताबीर लोग ये समझते हैं कि शायद ये इस्लाम यहाँ पे नाफिज है। तो शायद मेजॉरिटी तो इस बात की जो ख्वाहिश रखते हैं, हमें ये बात उन तक पहुँचानी है कि इस्लाम जब नाफिज होगा तो हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से जब माजी के अंदर इस्लाम नाफिज हुआ था तो हमें वो एग्जाम्पल्स दोबारा नजर आएंगी, ना कि जो आज हमें 70 या 80 सालों से नज़र आ रही हैं। इस्लाम के अदम नफाज की वजह से जो जिल्लत का सामना है ये हमें तो सैकड़ों मिसालें सामने हैं, लेकिन इस्लाम के नफाज की वजह से जो बरकत थी वो 1300 सालों तक, वो हमें आज 100 साल बीत चुके हैं, हमें उसकी एक एग्जाम्पल नजर नहीं आती। सही है, जज़ाकअल्लाह खैर। अनवर कमाल साहब का एक क्वेश्चन है,
ये बिल्कुल भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और इसके ऊपर हम लोगों ने अदर टॉक्स में इसको कवर किया हुआ है। हमारी चैनल पे एक सीरीज है फाइनेंशियल इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर, उसमें ये टॉपिक कवर हुआ हुआ, तो आप प्लीज वो वीडियो देखें। तो और तो कोई सवाल नहीं है तो मैं इंशाल्लाह आज की टॉक खत्म करता हूँ यहीं पे। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वाखिर दवाना, अल्हम्दुलिल्लाह।